नमस्ते इन्वेस्टर्स दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंग सर्विसेज टुडे मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो मेरे रिटायर में रिसेंटली इसलिए आई थी बिकॉज टू ऑफ द इंडियाज मोस्ट फाइनेंस इन्वेस्टर्स दैट इज अनिल कुमार गोयल जी एंड मलाबार इन्वेस्टमेंट टू का मेजर पोजिशन इन दैट कंपनी सो आई वॉन्ट टू नो की कंपनी में ऐसा क्या खास है इतनी स्मॉल स्केल होने के बावजूद भी इतने बड़े इन्वेस्टर्स से इतना ज्यादा फंड जी लोग रेस कर पा रहे हैं सो विद दैट इन माइंड आई विल एक्सप्लेन की मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है विथ सेवरल में जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ टू आइडेंटिफाई न्यू स्टॉक्स टेक पोजिशन एंड ट्रैक दैट लेट सो एज यू कैन सी दंपनी नेम इज गलास्ट सो हाउ डिट इट कम अक्रॉस दिस कंपनी सो ऑल दो मैंने आपको बताया कि ये दो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करा था मैं तब से ट्रैक करने लगा बट टू बी ऑनेस मैं ये कंपनी को थोड़े टाइम पहले से ही ट्रैक करा था एंड द रीजन वॉज कि मैं एक मेरा एक ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जहाँ पे इफ़ आई रिस्पेक्ट सम इन्वेस्टर देन आई मेक इट अ पॉइंट उनकी मेरे को जो भी होल्डिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मैं उनको स्क्रीनर पे फॉलो करूँगा जिसकी वजह से क्या हुआ कि इफ देर इज समेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी बीट a अंड्रेस या फिर कोई रिजल्ट तो मेरे को इमिडिएटली कंपनी मेरे दिमाग में आ जाएगी एंड अगेन देन आई कैन सी कि, कि मेरे को फिर से बिजनेस को स्टडी करना है या नहीं करना है

सो so अगेन मेरा एक ऐसा स्क्रीन स्क्रीनर हो या कोई भी अनाउंसमेंट वाला वो टूल हो वहाँ पर मैं हमेशा पॉइंट रखता हूँ कि कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है कोई भी ओपन ऑफर हो रहा है कोई भी राइट्स right इशू हो रहा है किसी भी कंपनी में तो मैं वो कंपनीज को फॉलो करूँ एंड चेक करूँ सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था तो मैं क्या क्या चीज़ें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में चेक करता हूँ फर्स्ट इज़ कितना पैसा ये लोग रेस करने की ट्राई कर रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल कोई टेन थाउजेंड करोड की कंपनी है वो टेन फिफ्टीन करोड़ रेस कर रही है सो दैट इज़ नॉट एक्साइटिंग फॉर मी बट लेट्स से कोई थाउजेंड करोड़ की कंपनी है जो हंड्रेड करोड़ रेस कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए दैट गेट्स अटेम्प्टिंग एंड दैट वॉज द केस इन गणेश बेंजो प्लास्ट सो मेरा फर्स्ट फिल्टर तो मेट हो गया अब सेकेंड फिल्टर मेरा ये है कि वो किस प्राइस पे प्रिफरेंसल अलॉटमेंट दैट इज जो वारंट्स इशू कर रहे हैं अभी आज कोई शेयर होल्डर आ रहा है उसको मैं अगर शेयर प्राइस कोई एक पर्टिकुलर शेयर प्राइस भी शेयर इशू करूंगा तो वो क्या प्राइस पे मैं इशू कर रहा करूँ मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ काफी बार ऐसा इंडियन मार्केट में ऑब्जर्व करा गया कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो खुद को ही वारंट इशू करते हैं बट एट ए प्राइस दैट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन मार्केट प्राइस अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ मेरे एन ओनर हूँ बिजनेस का मेरे को लग रहा है बिजनेस अच्छा कर सकता है तो ऑब्वियसली इसलिए मैं फंड फंड में इन्वेस्ट करूंगा वरना मैं क्यों अपना खुद का फंड अपने बिजनेस में और लगाऊंगा मैं किसी और के पास जाके भी पैसा रेज कर सकता हूँ बट मैं एक और ट्रिक यूज कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है कि अभी हंड्रेड रुपीज़ का शेयर प्राइस है एंड आगे जाके ये हंड्रेड एंड फिफ्टी अगर होना हो बट इज हंड्रेड पे तो स्टेबल रहेगा तो मैं क्या करूंगा मैं ख़ुद को वारंट्स जो होते हैं वो फिफ्टी रुपीज़ में इशू करूंगा एंड उसको मैं कन्वर्टेबल राउंड की तरह रखूंगा कि मैं इतना अभी ट्वेंटी फाइव परसेंट जो मेरे को पैसा देना है सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम इन्फ्यूजिंग हंड्रेड करोड़ इन द बिजनेस तो मैं क्या करूंगा मैं ख़ुद को वारंट्स इशू करूंगा एट फिफ्टी रुपीज़ बट मैं पे खाली ट्वेंटी फाइव परसेंट ही करूंगा स्टार्ट में एंड जब मेरा जब मेरे को वारेंट कन्वर्ट करना होगा तब मैं बैलेंस सेवेंटी फाइव परसेंट पे करूंगा सो so एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है बाई प्रमोटर्स टू गेट देर शेयर्स वेरी चीपली एंड देन जब सौ पे जाएगा शेयर ऑलरेडी सौ सौ पे है तो डेढ़ सौ या सौ पे जो भी लेवल पे होगा उसमें बेसिकली सेल कर दे गए लोग तो अल्टीमेटली लोग को सौ रुपये का शेयर बिना बात का पच्चीस बीस पच्चीस या फिफ्टी रुपीज़ में मिल गया एंड दैट्स वाई वारेंट्स काफी आजकल मिसयूज भी होते हैं सो so, इसलिए मैं ये चेक करने की ट्राई करता हूँ कि वो किस प्राइस पे इशू हो रहे हैं एंड ऑल्सो मलाबार को उसने ये जो प्रमोटर्स है उनने वन सिक्सटी रुपीज़ में इशू करा था एंड दैट वॉज द करंट मार्केट प्राइस दैट वॉज गोइंग ऑन बट इंटरेस्टिंगली इनफ प्रमोटर्स ने खुद को वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ में इशू करा नॉट वन सिक्सटी जो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा था दैट शोड कि ए दे आर नॉट शॉर्ट चेंजिंग द शेयर होल्डर्स उनको पता है कि इनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि वो खुद के बिजनेस में जब दिख रहा है ग्रोथ है तब अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर पा रहे हैं सो एटलीस्ट वो जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे हाई रेट पर इन्वेस्ट करें ताकि इन लोग को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका वो सही से यूज कर पा रहे सो so, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंड पॉइंट से एक बहुत अच्छा चीज देखूंगा अगर कोई प्रमोटर खुद को जब वारंट्स इशू कर रहा है वो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे इशू कर रहा है बिकॉज दैट शोज टू थिंग एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है ही बट सेकेंडली उनको बिजनेस में अपने इतना कॉन्फिडेंस है कि वो करंट मार्केट प्राइस से भी हायर लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है बिजनेस में सो दैट ऑल्सो मेक्स मी वेरी इंटरेस्टेड ना ऑल्डो जब प्रमोटर ने खुद को वन सेवेंटी फोर रुपीज में दिए है वॉरेंट्स इशू तो उसके जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उन्होंने नहीं करा था प्राइस वन सिक्सटी था तो वन सेवेंटी ही करा था बट अगेन दैट वॉज गुड इनफ साइन फॉर मी नाउ द थर्ड ट्रिगर दैट केम इन टू माई माइंड वॉस जब अनिल कुमार गोयल जी को इन लोगों ने शेयर इशू करे थे एंड उस दिन आई अगेन स्टार्टेड लुकिंग इन दिस आइडिया मैं ऑलरेडी स्टडी तो कर रहा था बट जब इनको इशू आया तो मेरे को क्लिक हुआ कि अब ये शेयर काफ़ी लोगों के दिमाग में आने लग जाएगा एंड जब बहुत ज़्यादा शेयर वायरल होने लगता है तो सडन प्राइस मूवमेंट काफी हाई होता है एंड यू वुड आइडियली वॉन्ट कैप वो सब होने से पहले ही बा कर लो ताकि वेबसाइट का बेनिफिट ले पाओ एंड सिंस आई वॉज tracking दिस बिजनेस क्लोजली तो ये अनाउंसमेंट की वजह से मैं और अलर्ट हो गया कि चल नाउ इज द टाइम टू रिएक्ट एंड अगेन द लास्ट थिंग एज ए मैंशन मैं पार्टिसिपेंट्स को बहुत देखता हूँ अगर प्रमोटर खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई बहुत अच्छा मार्केट इन्वेस्टर है जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ वो इन्वेस्ट कर रहे किसी बिजनेस में वो भी बहुत अच्छा क्वांटम ऑफ फंड आई विल टेक इज एज ए गुड पॉजिटिव कि एक तो वो लोग इतना बड़ा फंड इन्वेस्ट करें तो पक्का वो लोग मैनेजमेंट से मिले होंगे उनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मुझसे शायद से बहुत बेटर होगी एंड स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग सो मच फंड्स तो देयर बी अ केस कि बिजनेस में कुछ अच्छा है दैट इज जस्ट हाउ आई स्क्रीन द आइडिया एंड इसकी वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं कर लूंगा तो अगेन इसकी वजह से मैं बिजनेस का एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा तो गणेश बेंजोप्लास्ट करता क्या है पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सो उसके लिए हम इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं तो ये लोग का बिजनेस 1986 में चालू हुआ था एज ए केमिकल मैन्युफैक्चरर तो सोडियम बेनोजेट करके एक केमिकल होता है जिसके ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इंडिया में इवन नाउ तो ये लोग ने उस डिवीजन से चालू करा था फिर ये लोगों ने रियलाइज करा कि जो केमिकल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग का काम में भी काफी लोग प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं एंड कोई बहुत अच्छे कैरियर्स है नहीं वो काम करने के लिए तो नाइनटीन के टाइम पर ये लोगों ने उस चीज़ में डाइवर्सिफाई करा एंड बिफोर दैट ये लोग थोड़ा केमिकल की ट्रेडिंग का भी काम करते थे तो ये लोग ने क्या करा जब ये लोग ने अपने ये टैंक्स का जो टर्मिनल होता है अब बेसिकली इनका ये डिविजन है क्या एल जो लिखा हुआ इधर डाइवर्सिफाइड इंटू एल एस टी बिजनेस तो एल एस टी इज़ नथिंग बट लिक्विफाइड लिक्विड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सो ये लोग क्या करते हैं कि आज सपोज पोर्ट पे बहुत सारा मेरा लिक्विड है मैं केमिकल या पेट्रोल की कंपनी हूँ अब मेरे को ये लिक्विड चलो पोर्ट में आ गया अब मेरे को अपने प्लांट तक लाना पड़ेगा तो वो सब लाने में अरेंजमेंट करने में बहुत टाइम लगता है बहुत एफर्ट वाला काम है तब तक वो लिक्विड आप कैसे होल्ड करोगे बिकॉज आपने पोर्ट में तो ले कर आ गए बट अपने उधर तक लाने में टाइम तो लेगा तो आप लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स जो होते हैं उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका दे दे तो, आप अपने लिक्विड दे देते हो क्या ये संभाल के रखे थे दिन में एंड हमको जब वापस चाहिए होगा तब हम उधर से निकाल लेंगे तो बेसिकली आज सपोज मेरा पोर्ट में कुछ केमिकल है तो ये लिक्विड स्टोरेज जो टर्मिनल्स हो गए इनका बेसिकली शेप ऐसा होता है तो इसमें मैं ये लिक्विड स्टोर करके रखेंगे उसके बाद फिर ये पाइपलाइन या किसी के भी थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे काफी बार पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्टली हो जाता है काफी बार कोई ट्रक के थ्रू जा सकता है काफी बार रेलवे के थ्रू भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बट द आइडिया इज क्या आप जो लिक्विड पड़ा है पोर्ट में उसको हैंडल करने के लिए आपको कोई ऑपरेटर चाहिए तो वो काम ये लोग करते हैं एंड ये लोगों का काम ये ट्वेंटी ईयर्स तक चल रहा था बट ये लोग ने टू में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन करा स्टोल्ट रेल लॉजिस्टिक सिस्टम्स का अब जैसे मैंने बताया कि ये लोग पोर्ट पे जो भी लिक्विड था उसको हैंडल तो कर रहे थे बट उसके बाद का भी जो वैल्यू चेंज था दैट इज हैंडलिंग के बाद कैसे वो क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं उसमें भी काफी अच्छा पैसा बन सकता था एंड पैसा बनता या नहीं बनता अगर वो क्लाइंट्स को ये एक्स्ट्रा सर्विस देते कि हम आपको जो पोर्ट हमारा जो पोर्ट है उधर से आपके फैक्ट्री में लाने में हम और हेल्प करेंगे तो उसकी वजह से इनका कस्टमर से स्टिकनेस भी बढ़ जाता एंड बिना ज्यादा कुछ एफर्ट के ये लोगों का रिवेन्यूज आने भी स्टार्ट हो जाते तो ये लोग ने क्या करा कि एक रेलवे वाली कंपनी में को बाय करा जिसके थ्रू ये लोग रेलवे का लॉजिस्टिक्स यूज करके ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे बेसिकली जबकि पहले ये लोग ट्रक्स और वो सब यूज करके ट्रांसपोर्ट करते थे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन था जिससे ये लोग अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन गए जबकि पहले खाली लोग हैंडलर थे उसके बाद अगेन टू थाउजेंड ये लोग ने इथेनॉल का एक प्लांट चालू करा इन जेवी विद अनदर कंपनी जहां अनका ट्वेंटी इन्वेस्टमेंट था एंड अगेन उसके बाद दे रियलाइज कि चलो हम लोग अभी हैंडलिंग तो कर रहे हैं जो लिक्विड है एंड हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं बट काफी बार क्या हो रहा है हम लोग जब लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम क्लाइंट के पास पहुंचा रहे हैं उस क्लाइंट्स के पास वो जो मटेरियल आया है उसको हैंडल करने का उतना अच्छे टेक्निक्स नहीं है उतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है बट ये लोगों को मालूम है कि इसे हैंडल करना होता है ये सब चीज़ें तो ये लोग जो भी पाइपलाइन का नेटवर्क होता है या फिर क्लाइंट की फैक्ट्रीज में जाके जो भी चीज़ें मशीनरी या जो भी चीजें बनाने की रिक्वायरमेंट होती है टू हैंडल दैट प्रोडक्ट उनने ये काम चालू कर दिया अब इस काम को क्या कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन दैट इज ईपीसी तो ये लोग जो इंजीनियरिंग का जो काम करते थे वो ये लोग ने स्टार्ट कर दिया अब अगेन ये जो बिजनेस होता है इसमें जनरली थ्री टू फाइव परसेंट मार्जिन ही होते हैं एंड दे आर नॉट सेइंग कि हमको इसमें से बहुत पैसा कमाना है बट अगेन द आइडिया इज कि अपने क्लाइंट्स को इतना अच्छा सर्विस दो कि वो आपके पास टिक रहे एंड बिना ज्यादा एफर्ट के आप एडिशनल रेवेन्यूज कमा पाओ सो so उसकी वजह से लोग ने ईपीसी में डाइवर्सिफाई करा या रादर अपने एक सर्विस एड करा And उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग थिंग हुई 2022 के जून के टाइम पे जब ये योग को एक बहुत मेजर लैंड जे एन पी टी दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में मिल गई अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आगे जाके बताऊंगा सो दैट इज देर हिस्ट्री एंड एज यू कैन सी कि की लास्ट टेन ईयर्स में स्टॉक प्राइस के करी परसेंट मेकिंग इट वन ऑफ द और द स्ट्रॉगेस्ट परफॉर्मेंस इन द पास्ट डेकेट बट अगर आप देखोगे तो इनका सेल्स तो कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ ग्रोथ है नहीं मेजर एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो डिसेंट एंड

ये लोगों की नेटवर्क पॉजिटिव हो गई एंड इनकी बोरिंग्स भी रिड्यूस होने लग गई सबस्टांशली तो ऐसा क्या हुआ था द आंसर इज रिस्ट्रक्चरिंग तो उस टाइम जैसे अभी आई बी सी सोलवेंसी इन बिजनेस कोड या फिर एनसीएल जो है दैट हेल्प्स इन रिस्ट्रक्चरिंग द सिक यूनिट्स मतलब कोई बिजनेस अगर बहुत लॉसेस कर रहा उसके है उसके नेटवर्क बहुत नेगेटिव है बट एसेट बेस बहुत स्ट्रॉग है एंड अभी इंडस्ट्री में बहुत टेलवेंट है तो ये जनरली अप्रोच एनसीएल या फिर सी की हमें एक ऐसा रिजोल्यूशन दो जिससे हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाए ऑपरेट करने में अब रिजोल्यूशन कैसा हो सकता है जो आपका करंट डेट है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दो दैट इज सपोज मैंने मैं क्रेडिटर हूँ मैं बैंक हूँ मेरे बहुत सारे मैंने इनको लोन्स दिए हुए जो ये लोग इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे सो सोना वन ऑप्शन इज कि मैं इनको बैंक में डाल दूँ कि इनका बिजनेस क्लोज करो जो भी एसेट है वो सेल ऑफ करो या फिर सेकेंड ऑप्शन इज कि आप बिजनेस कंटिन्यू करने दो एंड आपका जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो ये सोच के कि चलो इनका बिजनेस अगर सही में रिज्यूम हो गया तो अपने इक्विटी को मार्केट में सेल कर पाओगे एंड अल्टीमेटली आपका जो पैसा फंसने वाला था वो नहीं फंसेगा तो इट इज अन विन सिचुएशन जनरली स्पीकिंग तो लोगों ने टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन के टाइम पे ये रिस्ट्रक्चरिंग अपनाई थी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नेटवर्क सिचुएशन जिसमें ये लोगों की जो बोरिंग्स थी वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गई थी एंड काफ़ी लीनियन इनके बोरिंग टर्म्स हो गए थे तो उसकी वजह से ये लोग ने काफी सारे इंस्टीट्यूशन को शेयर भी इशू करे थे एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सिंस देयर बिजनेस वॉज सफरिंग इन डीड तो इनके रिजल्ट भी नेगेटिव दिख रहे थे एंड बोरिंग्स वेर ऑल्सो वेरी हाई एंड अगेन आफ्टर कन्वर्जन इनकी बोरिंग्स कम हो गई ज टर्मिनल डिवीजन है सब डिवीजन जो मैं कह सकता हूं एक तो इनका ये रेलवे लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है जो मैंने पहले डिस्कस करा फिर इनका एक ईपीसी का बिजनेस है एंड देन इनके और दो तीन अभी जो न्यू वेंचर है इथेनॉल हो गया या फिर ये लोग कुछ क्लीन एनर्जी में और फोकस करने की ट्राई कर रहे हैं सो so, वो सब जो वेंचर्स है वो इनका लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल डिवीजन के अंदर ही आता है और इनका जो सेकेंड डिविजन है जिससे इन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट करा था दैट इज केमिकल्स इनका केमिकल्स का एक प्लांट है इन तारापुर तो वो जो इनके पर्टिकुलर डिवीजन हो गए अब इंटरेस्टिंगली इनफ इनका जो ये लिक्विड स्टोरेज एंड टर्मिनल का डिवीजन है दैट इज अ अंडल यूनिट एंड ये जो केमिकल का डिवीजन है दैट इज अंडर अ अब्सिडरी तो अगर आप इनके फिगर्स देखोगे लास्ट टेन इयर्स के तो यू विल सी कि इनका सेल्स ग्रोथ आज में कुछ आया ही नहीं है बट वॉट इफ आई टेल यू कि दिस इज अ रॉन्ग फिगर एंड इनका सेल्स ग्रोथ काफी डीसेंट रहा है एटलीस्ट इन द लास्ट फाइव ईयर जिसमें ये लोग थ्री परसेंट दिखा रहे हैं एंड यह डाइकोटॉमिक क्यों है सो द आंसर इज टिल टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन और इवन नाइनटीन इनका केमिकल डिविजन एंड इनका जो लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल का डिविजन था डेट वॉज टूगेदर ड्यूरिंग दैट टाइम इनका ऑल्दो लिक्विड स्टोरेज वाला जो डिवीजन था दैट वॉज डूइंग वेरी वेल उनके केमिकल के बिजनेस में बहुत इशूज थे तो वॉट दे डिसाइडेड इज कि सिंस हमारा एक डिवीजन तो काफ़ी अच्छा है जो ही मेजोरिटी प्रॉफिट ला रहे हमारे डिवीजन में बट बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर डिविजन हम हम हमारे जो बिजनेस है मार्केट उसको वैसे वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा तो वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा था इसलिए डिसाइडेड कि हम अपना केमिकल डिवीजन को अंडर अ सब्सिडी सेपरेट कर देते हैं एंड हमारा जो लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल डिवीजन है उसको स्टैंडर्ड बेसिस में रखते हैं ताकि मार्केट ढंग से सेवेल्यूट कर पाए हमारी ट्रू पोटेंशियल को बट इसको डीमर्ज क्यों सब, बनाया भी कर सकते थे तो हम आगे देखेंगे so दे तीन पर्टिकुलर पोर्ट्स में ये टर्मिनल्स है एक तो जे है जो इनका मेजर पोर्ट है जिसमें आप देख सकते हो इनकी कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट है ट्वेंटी फोर था टू लैख फोर्टी थाउजेंड के इनका कैपेसिटी है सेकेंड इज कोचिन जहा पे इनका फोर्टी थ्री थाउजेंड के एल है एंड लास्ट इज गोवा अभी इसके अंदर ये लोग ब्रीफली मैं आपको फाइनेंशियल समझाने की ट्राई करूँ तो दिस इज अफ्टी परसेंट एबिटा का बिजनेस इतना ज्यादा मार्जिन क्यू क्यूंकि इनके बिजनेस में इनिशियली बहुत हाई केपेक्स होता है ये केपेक्स है बट वंस केपेक्स इज डन तो आपको खाली उनके लिक्विड हैंडल करने तो उसमें आपका ऐसे मैन पावर का या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ तो मटीरियल इतना नहीं है सो दैट इज वाई दिस इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस एंड हमेशा सर्विस बिजनेस के जनरली मार्जिन काफी हाई होते हैं एज रिजल्ट ये लोग भी काफी मार्जिन बना रहे हैं दिस इज अ ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो ये दिख रहा है कि अच्छा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कमाता है नॉट जस्ट अकाउंटिंग प्रोफिट एंड एज अट बिफोर कि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड ओवरऑल पैट दैट इज मोर देन एटी परसेंट

जो की जस्टिफाइड नहीं है अब इसके क्या पर्कस है जैसे मैंने बताया कि जो इनका मेजर डिवीजन है दैट इज जे बाकी कोचिंग का भी इनका डिवीजन है एंड गोवा का भी डिवीजन है बट क्यों जे इतना स्पेशल है सो so ये लोग जे एंड कोचिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडलर है ऑफ द लिक्विड्स एंड ये नॉन पी एस यू कंपनी में नंबर वन में आते हैं सो so इनका मार्केट में पोजिशनिंग फिलहाल बहुत अच्छा है एंड इधर जैसे मेंशन करें कि अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ जो भी ट्राफिक है वो सब इनको मिल रहा है तो दैट शोज कि इनका कम्पटिटिव पोजिशनिंग या मार्केट में पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग है सेकेंड इज हाई एंट्री बैरियर्स आज किसी भी पर्सन को इस बिजनेस में एंटर करना है तो उसको दो बहुत मेजर कंशेंट फेस करने पड़ते हैं एक तो कि अगर आपका कोई भी पोर्ट है उसमें टर्मिनल में जाके आपको तो लैंड लेनी पड़ेगी ये सब कंस्ट्रक्ट करने की एंड पोर्ट में लैंड लेना बहुत टफ टास्क है तो आपको मिलता भी नहीं है बिकॉज ऑलरेडी काफी प्लेयर्स उधर आ गए एंड पोर्ट का आप कितना मतलब बड़ा करोगे तो लैंड लिमिटेड है एंड सेकेंडली अगर आपको लैंड लेनी भी है तो आपको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ता है इसलिए नए इंटरेंट के लिए जो एस्टैब्लिश नहीं है अगेन उनके लिए ये बिजनेस में आना बहुत टफ है थर्ड ये लोग सारे टाइप के फ्लूड्स हैंडल कर पाते हैं इनके फ्लूड्स के भी थ्री टाइप्स होते हैं फ्लूइड ए फ्लूड बी फ्लूड सी तो ये लोग तीनों टाइप के फ्लू हैंडल कर पाते जिससे ये काफी टाइप के क्लाइंट्स को केटर कर पाते और जैसे क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इन्होंने लास्ट ट्वेंटी ईयर से काफ़ी अच्छे रिलेशन रखे फ्रॉम मार्की क्लाइंट्स लाइक कारगिल रिलायंस जुबिलेंट एंड मेनी मोर एंड इन लोगों ने काफी न्यू क्लाइंट्स स्पेशली इन केमिकल सेक्टर भी अपने वो बिजनेस में लाए लाइक आरती इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्राइट तो बिजनेस का बेसिक यही है कि बहुत हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है

इनके टर्मिनल से शिफ्ट होकर कि किसी और के पास जाना है तो मेरा वो लिक्विड तब तक तो कौन संभालेगा तो मैं किसी और के पास जाऊं कैसे एंड इस बिजनेस में ऐसी चीज है कि अगर ये लोग सपोज फॉर एग्जाम्पल इनको अपना बिजनेस बंद करना है ट्वेंटी थर्टी डेज के लिए भी तो ये लोग कर नहीं सकते वो काम बिकॉज क्लाइंट इनके ऊपर इतने रिलायंट है कि इनके वहां पर जब लिक्विड स्टोरेज हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्ट और ये सब क्लाइंट को तो वापस चाहिए होगा क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली केमिकल्स या फिर ऑयल वो सब के जो प्राइजेस होते हैं कमोडिटी के वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो जो प्लेयर ये, ये स्पेशल है कि ऑल ये लोगों का सर्विस काफी अच्छा है बट ये लोग काफी न्यू न्यू इनिशियटिव ले रहे हैं ताकि ये अपने क्लाइंट्स के साथ और बेटर रिलेशन कर पाए जैसे मैंने बिफोर मेंशन करा था कि ये लोग ने रिसेंटली रेलवे लॉजिस्टिक्स में एंटर करा

बिकॉज इनके पास जो स्टोरेज है दैट इज फाइनाइट दैट इज लिमिटेड तो जितना ये एग्जिस्टिंग स्टोरेज को ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ये ज्यादा रिवेन्यूज ला पाएंगे तो इसके काफी ज्यादा बेनिफिट भी थे एंड क्लाइंट भी इसको अप्रिशिएट कर रहा था इसकी वजह से क्लाइंट्स इनके पास स्टिक करते हैं अब अगेन एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज यह कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिक्विड हैंडल कर रहा हूँ अभी जैसे मैंने प्रीवियसली मैंशन करा कि टाइम इज ऑफ द एसेंस तो इसमें कंसेप्ट होता है डिम्यूरेज डिम्यज का बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरा ये लिक्विड स्टोर करके रख रहा है तो कितने टाइम में लिक्विड दे जा रहा है एंड अगर वो कुछ एक्सेस टाइम के लिए लिक्विड उसको होल्ड करना पड़ रहा है फॉर सम रीजन जिस वजह से को उस टाइम तक लिक्विड नहीं मिला तो उसको मैं डिम्यूरेज कहूंगा कि बेसिकली एक ऑपरेशनल रोड ब्लॉक है जहां से वो अपनी कैपेसिटी को ज्यादा वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो वहां पे आपका कुछ मटेरियल या कुछ भी हर्डल आ गया तो सिंपल टर्म्स में दैट इज डिम्यूरेज रेलवे सिस्टम जो इन्हो ला रहे हैं लॉजिस्टिक्स का उससे डिमोरेज कम होगा बिकॉज इनके एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उसको ज्यादा ढंग से यूज कर पाएंगे ज्यादा थ्रूपुट ले पाएंगे एंड सिमिलरली रिसेंटली ईपीसी का बिजनेस स्टार्ट कर जो मैंने पहले मैंशन करा जिससे अगेन उनका आइडिया ये नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है बट हमें क्लाइंट्स के बहुत स्ट्रांग रिलेशन रखने जिससे वो आगे जाके भी हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड लास्टली जो मैंने पहले मैंशन करा कि जो आपको न्यू लैंड लेनी है वो लेना बहुत टफ टास्क है बिकॉज बहुत हाई एंट्री बैरियर है अभी फॉर एग्जाम्पल ये लोग लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर से बिजनेस कर रहे हैं तो यू वन बिलीव कि इनका जो जे एन पी टी में जो इनका लैंड पार्सल है जो पुराना वाला है उसका करंट वैल्यू इज एट टू नाइन टाइम्स वॉट दे पेड सेवरल ईयर्स बैक सो दैट शोज इसका प्राइस में अप्रिसिएशन तो हो ही गया बट इनका जो ऑलरेडी पुराने लैंड था जो इनको सस्ते में मिल गया था उसकी वजह से भी इनके मार्जिन या फिर उनका जो ओवरऑल हमको आर ओ सी दिखता है वो काफी स्ट्रांग है और मे बी नए जो प्लेयर्स होगा उनको जो एंटर करना होगा उनको इतने फेवरेबल प्राइजिंग ना मिले सो दैट इज अनदर कम्पटेटिव एडवांटेज दैट द कंपनी करेंटली हैज अब ये आगे जाइए कितना लास्ट करेगा दैट इज गेस बिकॉज आफ्टर सर्टन टाइम इनका जो लीज पीरियड है वो एंड तो होगा ही तो तब इनको फिर से लैंड प्रोक्योर करना पड़ेगा दैट इज अजर रिस्क दैट विल बी टॉक अबाउट लेटर एंड अल्टीमेटली अगर आप कस्टमर को इतना अच्छा सर्विस दे रहे हो आपके मार्केट में इतनी अच्छी पोजिशनिंग है तो आप प्राइजिंग पावर भी कर पाओगे अब प्राइजिंग पावर बेसिकली क्या होता है कि आप हर साल सपोज आपको लग रहा है कि कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन आइदर केस आप जो भी अगर सपोज आपके कॉस्ट बढ़ गए हैं तो आप वो भी अपने क्लाइंट्स को पास कर पाओगे या फिर अगर आपको लग रहा है आपके कॉस्ट नहीं बढ़ रहे बट हमको रेवेन्यू ग्रोथ करना है अब इनके केस में क्या इशू है कि मैंने एक प्लांट बना दिया जिसमें मैं लिक्विड हैंडल कर रहा हूँ मैं अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिक्विड हैंडल कर रहा हूँ तो मैं न्यू क्लाइंट्स को तो ले नहीं पा रहा हूँ एंड मेरा प्लांट तो सेम ही है मैं प्लांट को कुछ ग्रो तो नहीं कर पा रहा तो मैं अपने रिवेन्यू कैसे ग्रो करूंगा स्पेशली अगर मेरा जो प्लांट है उसमें हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन है तो ये लोग ने उसका एक ये आंसर फाइंड करे कि हम लोग हर साल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रेट्स बढ़ाते रहेंगे जो मेरे हिसाब से इनकी प्राइसिंग पावर शो करती है एंड इनका लास्ट पाँच साल का ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये लोग अपना प्राइसिंग तीन परसेंट से बढ़ा पाए थे रेंटल का एंड ऑन एवरेज कंपनी एक्सपेक्ट्स की आगे भी जाके चाहे बिजनेस में ग्रोथ आए या ना आए हम लोग फाइव टू एट परसेंट से अपना रेंटल इनकम बढ़ाते रहेंगे सो दैट कि ये बिजनेस में इनहेरेंटली काफी प्राइसिंग पावर है सेकेंडली जे जो है ये है इनका टर्मिनल वो करेंटली हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है कोचिंग का जो टर्मिनल है दैट इज ऑपरेटिंग एट अराउंड सेवेंटी परसेंट कैपेसिटी बट इनका जो गोवा का टर्मिनल है दैट इज ऑपरेटिंग एट ओनली फोर्टी परसेंट कैपेसिटी एंड ये फोर्टी परसेंट कैपेसिटी आज की बात नहीं है लास्ट फाइव टेन ईयर्स से ये चीज का इशू आ रहा है इनको तो क्या रीजन है कि फाइव ईयर से इतना ऐसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रही है सो आई डोंट रिमेम्बर ईयर एग्जैक्टली बट गोवा ने जो भी माइनिंग होती है सैंड माइनिंग उस पर बैन लगा दिया था जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी जो ये इनकी सर्विस यूज करती थी उसका यूजेज बिल्कुल चला गया तो बिकॉज इनका पूरा इंडस्ट्री बेस ही उड़ गया तो उसकी वजह से इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी गिर गए एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका गोवा का प्लांट लास्ट चार पाँच साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था बट डिस्पाइट दैट ये लोग कंसिस्टेंटली अपना प्राइसिंग ग्रो कर पाए एंड ऑल्धो गोवा का प्लांट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया बट सिंस खाली फोर्टी परसेंट कैपेसिटी में भी वो वर्क कर रहे हैं तो देर इज स्कोप की अगर आगे कुछ भी बूम आएगा तो गोवा में देर इज इनफ कैपेसिटी टू इंक्रीज द रेवेन्यू सब्सटैंशियमिकल्स पे अब जैसे मैंने बताया कि इनका केमिकल्स का डिविजन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो पहले कौन से केमिकल्स बनाते हैं प्राइमरली इनका जो मेजर केमिकल है दैट इज सोडियम बेन्जो अब इनके जो केमिकल्स है इनका यूज होता है फूड में बेवरेजेस में पेंट्स में फार्मास्यूटिकल्स में लुब्रिकेंट्स में ये सब इंडस्ट्रीज काफी अच्छी लग रही है एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट इज इन तारापुर दैट इज ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड मेट्रिक टन पर एन एम एंड इनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफ़ी डिसेंट है सेवेंटी परसेंट है अब अगर इनके हम फाइनेंशियल देखेंगे तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक इनफैक्ट इनका परफॉर्मेंस काफी पुअर था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे डिसाइडेड कि हम लोग इसको एक सब्सिडी के अंदर डाल देते ताकि हमारा जो

तो ट्वेंटी टू में वो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट हो गया एंड ट्वेंटी थ्री में सेवेंटी परसेंट हो गया एंड एज इनके जो कैपेसिटी uh, है वो काफ़ी पुरानी है नाइनटीन एटी सिक्स की है तो वो पूरा जो एसेट है वो पूरा डेप्रिशिएट होकर राइट ऑफ हो ही चुका है तो इनके फिक्स कॉस्ट जो हमको दिखते हैं जैसे डेप्रिसिएशन या कोई भी कॉस्ट हो गया वो इतना हाई नहीं है तो जो भी ये लोगों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा वो अल्टीमेटली अगर आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉन्स्टेंट रह रहे तो आपके प्रॉफिट्स में फ्लो होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एफ आई ट्वेंटी थ्री में ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स क्लॉक करे थे दैट इज ट्वेंटी थ्री करोड़ एंड ये जैसे मैंने बताया एक सबसिडी में थी तो अगर हम स्केल समझने की ट्राई करें ये सब्सिडी में ट्रांसफर करने का फाइनेंशियल में क्या इम्पैक्ट आया था तो एफ आई सेवनटीन एटीन के टाइम पे केमिकल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यूज एक्चुअली फिफ्टी थ्री परसेंट एंड लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल का खाली फोर्टी सेवन परसेंट था तो दैट तो शोज की केमिकल का डिविजन शियरली ऑन्यू क्वाइट क्वाल बट ये सब तो ठीक है हमको ये समझ में आ रहा है कि इनका जो लिक्विड स्टोरेज का डिविजन है दैट इज हाईली प्रॉफिटेबल दैट इज हाईलीटिव इन नेचर कम्पटिटिव एज इन उनकी कम्पटिटिव पोजिशनिंग काफी अच्छी है एंड ओवरऑल उनका बिजनेस का सब स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड दैट डिजर्व अ प्रीमियम वैल्यूएशन वाइल इनका केमिकल्स का बिजनेस का परफॉर्मेंस पास में बहुत पुअर रह चुका है बट डिस्पाइट दैट ये लोग ने डीमर्जर क्यों नहीं करा बिकॉज

वो पेट्रोलियम के डेरिवेटिव्स है तो उनका एक तो फ्लक्चुएशन बहुत होता है तो इनके जो कॉस्ट ऑफ है उसमें भी काफी फ्लक्चुएशन होते हैं बट सिंस इनकी कम्पटिटिव पोजिशनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये लोग आगे अपने क्लाइंट्स को पास ऑफ नहीं कर पाते इमिजिएटली पास ऑन करने में काफी टाइम चला जाता है जिसकी वजह से इनके मार्जिन में बहुत मेजर हिट आते हैं एंड एज आई सेट कि इनका भी लास्ट ईयर में जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जाकेशन तक पहुंचा बोले दैट वाज ऑपरेटिंग एट बिलो 50 परसेंट तो ये लोग ने भी रियलाइज करा कि हमको डीमर्ज करना चाहिए बट इनकी मेजर प्रॉब्लम आ गई थी का पहले, जैसे मैंने बताया था कि इनका पासवर्ड इतना अच्छा का अच्छा प्रॉफिटेबल था अब पार्ट टर्म से मे भी वो प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा होगा बट एज एट बिफोर उसमें इनिशियली आपको फिक्स कॉस्ट बहुत हाई इंकर करना पड़ता है एंड अगर आप कोई कैपेसिटी में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो सो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि आपके डिप्रिसिएशन कॉस्ट विच इज a नॉन कैश एक्सपेंस that इज़ वेरी हाई सो अल्टीमेटली आपका पैट कम दिखेगा बट आपके जो कैश फ्लोज हो गए वो काफ़ी हाई दिखेंगे. सो so ये लोग के पास में भी कैश फ्लोज अच्छे थे ऑल्जो इनका नेटवर्थ वॉज नेगेटिव बट ये पास में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी क्यों तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बट वो जो पास की प्रॉब्लम थी वो उनको स्टिल अभी भी हॉन्ट करती है सो फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन सिक्योरिटीज करके कंपनी दी जिंक ये लोग ने लिए थे लोन के फॉर्म में एंड ये लोग ने अपने शेयर्स को प्लेच करा था इन रिटर्न अब हुआ क्या था ड्यूरिंग टू थाउजेंड फोर एट या नाइन के टाइम पे जब ये लोग अपने फंड्स को रीपे नहीं कर पा रहे थे तो ये लोगों को कुछ केस आर्बिट्रेशन में चला गया था एंड देवर ट्राइंग की वो पैसा वापस निकालने की इनके थ्रू पर जब इनको लगा था कि पैसा निकल नहीं रहा तो ये लोग ने इलीगली विदाउट गिविंग एनी नोटिस जो प्लेच शेयर्स थे उसको मार्केट में सेल कर दिया था उसकी वजह से कंपनी कंटेंडेड कि दिस इज कम्प्लीटली इलीगल आप हमारे शेयर्स को ऐसे कैसे मार्केट में सेल कर सकते हो तो हमारे शेयर थे हम आपको पे भी करते थे डेट तो ये लोगों का काफी इशू चलता रहा था एंड मॉर्गन सिक्योरिटीज का क्या था कि जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड था इन फेवर ऑफ मॉर्गन सिक्योरिटीज जो ये गणेश बंजर प्लास्ट का मॉर्गेन सिक्योरिटी को पे करना था जो उन्होंने तब पे नहीं करा था तो कोर्ट ने क्या करा कि वो जो अवार्ड था शायद से थ्री करोड़ का था तो वो तो इनको पे करना ही था उसके साथ साथ ये लोग ने इंटरेस्ट रेट लगा दिया था चार्ज कि जितने टाइम तक आपने इंटरेस्ट नहीं पे करा हमें वो अमाउंट का उसका हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगाते रह गए बट इशू ये था कि वो जो इंटरेस्ट रेट था दैट वॉज थ्री परसेंट पर मंथ तो अगर आप उसको कंपाउंड करते क्योंकि वो ट्वेंटी लास्ट टेन ईयर्स पुराना था थ्री करोड़ का तो बढ़ाते बढ़ाते दैट अमाउंट वुड बी अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन करोड़ नाउ तो थ्री करोड़ का आपका इंटरेस्ट जो पेमेंट करना था आपको दैट बिकेम ट्वेल्व टू फिफ्टीन करोड़ एंड वो केस कब से चल रहा था उसकी वजह से वो लोग लो ने पे नहीं करा था एंड इंटरेस्ट पाइल अप होता रहा तो ये लोग ने कोर्ट पे वो केस करा काउंटर केस की एक तो ये लोग ने क्रिमिनल काम करा कि हमारे लो कर ये लोग ने प्लेटेट बिना बताए सेल कर दिए एंड सेकेंडरी ये थ्री परसेंट पर मंथ इंटरेस्ट कॉस्ट ड मेक एनी सेंस तो इसमें हमको काउंटर केस करना है एंड वो जो काउंटर केस था वो कंपनी के फेवर में एक्चुअली आ भी गया था कि थ्री पर मंथ इज टू मच बट इशू क्या हुआ कि ये लोग ने फिर से काउंटर क्लेम कर दिया मॉर्गन सिक्योरिटीज ने कि नहीं हमको तो पैसा चाहिए ही तो इसकी वजह से ये लोग ने जो केस करा हुआ था दैट वॉज नॉट अलोइंग देम कि ये डीमर्ज अलग से कर पाए तो ये केसेस की के वजह से ये लोग डीमर्ज नहीं कर पाए दैट प्राइमरली बिकॉज ऑफ दैट अदरवाइज दे न्यू की डीमर्ज मेक सेंस तो स्टिल ये केस चल रहा है एंड ये केस का एक्चुअल कुछ मॉनिटरी इम्पैक्ट में मेजर नहीं आएगा बट अगेन ये जो डीमर्जर की प्रोसीडिंग्स है वो सब

जो गणेश बेंजोप्लास्ट में दिखेगा एंड में बाकी जो भी केमिकल डिविजन का रेवेन्यू होगा वो दिखेगा तो अरेंजमेंट बेसिकली ऐसा हो गया था कि जो भी थे केमिकल के वो में चले गए और जो बेसिक कॉस्ट थे और जो बेसिक मार्कअप ये लोग चार्ज कर रहे थे एट परसेंट का वो इनके कोर बिजनेस में आ गए तो इसके साथ मार्केट जो था वो गणेश बेंजोर प्लास्ट को एज ए सैंडलवुड बेसिस में भी कर पाता इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी जो लिक्विड स्टोरेज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड एज वेल एज उनका को भी, uh, कर कि कुछ टर्न अराउंड हो रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है so, Now, see, थी। हमने पहला मेंटल मॉडल ये देखा कि अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर ऑलरेडी वो बिजनेस को ट्रैक कर रहा है तो आप भी वो बिजनेस को ट्रैक करो सेकेंड मेंटल मॉडल हमने ये देखा कि कोई भी अच्छा बिजनेस आपको लग रहा है

अब कोई भी बिजनेस को ग्रो करना है तो उसको दो वेरिएबल में फोकस करना पड़ेगा एक तो आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में काफी री इन्वेस्ट कर दे रहो पैसा एंड जो आप पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें अच्छा रिटर्न जनरेट करो सो आई सॉ कि ये लोग ने पास्ट फाइव ईयर्स में भी जो मेरे को स्क्रीनर में नहीं दिख रहा था बट ये लोग ने अपने स्टैंड स्टैंडर्डोन बेसिस में बिजनेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जो मेरे को दिख ने लो ने लो ने रहा है इन लोगों ने लास्ट फाइव ईयर्स में काफी कैपिटल इम्प्लॉय करा है एट द सेम टाइम इनका आर ओ वॉज क्वाइट डीसेंट बट ये तो पास्ट की बात है अभी कमिंग फाइव ईयर्स में क्या दिख रहा है सीन

दैट इज फॉर अराउंड सेवेंटीन थाउजेंड के एल अब ये लोग को ऑलरेडी जे एन पी टी में अराउंड ट्वेंट टू लाख फोर्टी थाउजेंड के एल का था ही कैपेसिटी तो सुन के ये सेवनटीन थाउजेंड के एल इतना कुछ एंटाइसिंग नहीं लगता बट इसमें ये लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर रहे हैं कि इनका जो पास वाले जो टर्मिनल्स थे वो काफ़ी बेसिक थे जिसपे ये लोग जनरली पेट्रोल ऑयल और ये सब चीज़ें जो नॉन कॉम्पलेक्स थी उसे हैंडल करते थे तो उसमें ये लोग की फिफ्टी परसेंट मार्जिन आते थे बट ये लोग अभी जो न्यू केपेक्स कर रहे हैं उसमें ये लोग स्टेनलेस स्टील और और बेटर मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से और कॉम्प्लेक्स जो केमिकल्स होते हैं जिसमें ये लोग को मार्जिन भी बहुत हाई मिल सकते हैं वो हैंडल करेंगे हैं। सो ये लोग फोर्टी करोड का उस चीज के लिए केपेक्स कर रहे हैं जिसमें दे एक्सपेक्ट कि हमें फिफ्टीन करोड़ के रिवेन्यूज आ सकते हैं अब फिफ्टीन करोड़ रेवेन्यू सुन के कुछ बहुत तो अगेन नहीं लग रहा बट द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सच कि ये लोग इस 15 करोड़ के रेवेन्यू में 75 परसेंट का एबिट्टा क्लॉक करेंगे विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 10 करोड़ रेवेन्यूज एंड अगेन ये लोग हर साल ये जो रेवेन्यूज है इसमें इनका प्राइजिंग क्लॉस होता है जिसमें लोग एटलीस्ट फाइव टू एट परसेंट का हर साल प्राइजिंग में ग्रोथ लाएंगे सो एबिट्टा टर्म्स में दिस केपेक्स इज वेरी गुड फॉर द कंपनी एंड इससे काफी वैल्यू क्रिएशन हो सकता है

ये लोग खाली टर्मिनल में जो हैंडल करने का काम होता है उसके अंदर जा रहे हैं बिकॉज इसमें इनको दिख रहा है कि काफी अच्छे मार्जिन क्लॉक हो सकते हैं एंड थोड़ा लेस कैपिटल इन कम्पटिटिव है बिजनेस इन नेचर अब वो जो केपेक्स है उसमें ये लोग को अराउंड फोर टू फाइव हंड्रेड करोड़ चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए एंड इनका अगर हम करंट मार्केट कैप देखेंगे तो इट इज़ अराउंड थर्टीन हंड्रेड करोर्स इवन नाउ सो मैं ट्रैकिंग इट वाज अराउंड इलेवन हंड्रेड करोड़ बट इवन थर्टीन हंड्रेड करोड़ में भी ड्रेड से फाइव हंड्रेड कोर्स के लोग केपेक्स कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो एक चीज तो मेरे दिमाग में आ रही है चलो ये लोग री इन्वेस्ट तो कर पा रहे हैं बिजनेस में सेकेंड एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो बिजनेस कितना ये लोग रिटर्न ऑन इक्विटी कमा पाएंगे सो दैट इज नथिंग बट क्या तो कितना मार्जिन कमा पाओगे एंड एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को आप कितना रोटेट कर पाओगे सो so इस केस में मुझे क्लियरली लिख रहा है कि इन जो गाइडेंस दी है कि हम लोग फोर हंड्रेड कोर्स का या फाइव हंड्रेड जो केपेक्स करेंगे उसमें रेवेन्यूज खाली टू हंड्रेड करोड़ की कंजर्वेटिवली क्लॉक करेंगे लोग

सो so, को दिख रहा है कि ये के मार्जिन uh, बहुत अच्छे हैं बिजनेस में तो अल्टीमेटली इनके आर ओई भी कर पा रहे हैं री इन्वेस्ट कर रहे वहाँ पे कुछ कम्पिटेटिव एडवांटेजेस है जिसकी वजह से अच्छा क्लॉक कर पाएंगे विच विल अल्टीमेटली ट्रांसलेट इन हाई ग्रोथ एंड इसका जो पोटेंशियल है division, इनके जो हो वो ऑलमोस्ट तीन टाइम्स हो सकते हैं इफ एवरी थिंग प्लेज आउट परफेक्टली सो अगेन थिंग्स काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ये लोग को एक नया एरिया भी मिल गया जब ये लोग री इन्वेस्ट करके ग्रोथ ला सकते हैं बिजनेस में अब मेरे को एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है बिजनेस में करेंटली दैट इज ए मैनेजमेंट टीम अब मैनेजमेंट इज करेंटली हेडेड बाई मिस्टर ऋषि पिलानी एंड ऋषि पिलानी जी ने ये बिजनेस में एंट्री ली थी इन टू थाउजेंड इलेवन एंड एज ए सेट बिफोर ये कंपनी तो काफी लॉस ही करी थी नेगेटिव नेटवर्क कंपनी थी बट 2016, 17 के टाइम से बिजनेस में टर्न अराउंड आ गया था एंड अगर आप देखो कि कोई यंग बिजनेसमैन वो बिजनेस में एंटर करा था तो इनके फादर प्रीवियसली बिजनेस सेट करते थे इन टू में एंट्री ली बिजनेस में एक्चुअली 2006 में एंट्री ले ली थी एंड 2011 में ये एमडी बने थे मतलब मेजर रोल में 2011 में आए थे एंड विद इन टेन ईयर्स ये लोग ने बिजनेस को बहुत अच्छे से टर्न अराउंड कर दिया एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन के बाद से इन्ह कभी पीछे नहीं देखा एंड सिंस ये काफ़ी यंग है तो दैट ऑल्सो गिवस मी मोर कॉन्फिडेंस कि चलो बिजनेस प्लानिंग इज इन प्लेस अब सेकेंड थिंग लाइक अबाउटल में कन्वर्ट कर लिया था बट इवन आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो इनका डेट टू इक्विटी हर साल गिरता ही रहा है दैट इज डिस्पाइड बींग इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ये लोग ने अपना पे ऑफ करते गए दैट शोर्स की इनका कितना बिजनेस uh, सेंस अच्छा है एंड कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है सो एज ए डिस्कस्ड बिफोर लोग एलपीजी में बहुत मेजर केपेक्स कर रहे हैं एक बारह सौ करोड़ की कंपनी के लिए चार सौ पांच सौ करोड़ का केपेक्स करना बहुत बड़ी बात है स्पेशली जब आप बहुत सारा डेट और इक्विटी फंड रेज कर रहे हो एंड इफ आपने केपैक्स गलत कर लिया सो फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर हंड्रेड की कैपेसिटी तो लगा दी बट आगे मेरे पास डिमांड भी नहीं है मैंने एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड केपेक्स करा है तो दैट बिकम्स वेरी रिस्की फिर मेरे को काफी चेक करना पड़ेगा कि इनका यूटिलाइजेशन कितना आ रहा है अगर आ भी रहा है या नहीं आ रहा बट इन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग करी इन पूरी चीज ही उल्टी कर दी नॉर्मली हम जैसे पहले हमेक्स करते ढूंढते हैं इनने रिवर्स कर दिया पहले क्लाइंट ढूंढ रहे कि हम लोग इतना बड़ा के लाने वाले आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं तो ये लोग बिफोर हैंड कैपेसिटी बुक कर दे रहे उसके बाद केपेक्स डिसाइड कर रहे कि हमें केपेक्स करना है या नहीं करना एंड अभी तक ये लोग अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट इनकी कैपेसिटी लोग इनविजाइज कर रहे हैं उसके लिए इनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं क्लाइंट्स के सो so ये लोग ने अपने कॉन्कॉल में मैंशन करा था कि वी वॉन्ट टू फ्लिप इट अराउंड वी वांट टू गेट आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस बिफोर वी कमिट द केपेक्स विच इज नॉट द नॉम इन द इंडस्ट्री सो अगेन दैट शोज की वेरी स्ट्रीट स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर एंड अ वेरी सेफ कैपिटल एलोकेटर इसमें मेरे को और क्या एडिशनल ट्रिगर्स दिख गए ये तो जो मैंने बताया अभी ये एल का टर्मिनल जो आने वाला है ये जो एल टर्मिनल है अगेन मैनेजमेंट इज गाइडिंग अराउंड एफ तक इसकी कैपेसिटी लाइव आ जाएगी अब इसमें डिलेज भी आ सकते हैं एंड एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आगे शेयर करना चाहूंगा कि ये लोग के जो रिवेन्यूज है टू हंड्रेड कोर्स की जो मैं बता रहा हूँ वो कंजर्वेटिव वे में बता रहे हैं देर इज हाई चांस कि ये फोर हंड्रेड कोर्स भी क्लॉक कर सकते हैं इफ़ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस वो कैसे होगा हम हम आगे और डिस्कस करेंगे बट ये लास्ट ये तीन या चार साल में इनका चलो ग्रोथ कवर कर जाएगा ये जो भी मेजर केपेक्स करने वाले बट उसके बाद क्या और स्कोप है के करने का या कहाँ से ग्रोथ ला सकते हैं तो चार पांच चीजें हैं एक तो जैसे मैंने मेंशन करा कि ये लोग ने ऑलरेडी जो इनका टर्मिनल बना दिया उसमें एक फाइनाइट हाइट है जिसके अंदर ये लोग काफी सारा लिक्विड डाल सकते हैं अब इशू क्या आता है कि ये लोग को सपोज जो हाइट है ये लोग उसको बड़ा भी तो कर सकते हैं ना बिकॉज अल्टीमेटली लैंड तो लेंथ देख के लिए या ब्रेथ देख के लिए उसमें आप कितना लंबा अपना वो टर्मिनल बनाओ उसमें कोई आपको रुकावट नहीं है आप परमिशन लेके उसको और बड़ा कर सकते हो एंड आपकी खाली हाइट बढ़ा करके भी अपना रेवेन्यूज बढ़ा सकते हो प्रोवाइडेड आप कैपेसिटी अगेन आपका हंड्रेड परसेंट यूटिलाईजेशन है बट इनके वजह से यही प्रॉब्लम है कि आप एकदम से अपना कैपेसिटी बंद नहीं कर सकते बिकॉज क्लाइंट्स आर रिलायंट ऑन यू अगर आपने एकदम से कैपेसिटी बंद कर दी तो आपको एक तो वन टू टू मंथ खाली वो अपना हाइट इंक्रीज करने में टाइम चला जाएगा एंड आपके क्लाइंट्स बहुत सफर करेंगे तो अभी सिंस ये लोग का काफी अच्छा डिमांड है हंड्रेड परसेंट यूटिलाईजेशन है ऑलरेडी तो दे दिस मेजर बट देर इज कि इफ आगे जाके ये लोग न्यू लैंड नहीं कर पाए जिसमें ये ये टर्मिनल्स बना पाए तो ये लोग अपने क्लाइंट्स के बोलेगे कि वन टू मंथ्स रुक जाओ हम हाँ, अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं जिससे हम अपने आप रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं एंड फिर उनके क्लाइंट्स वापस लेके आ जाएंगे सो दैट विल बी अ रिस्की मूव इन अ टेम्पर पीरियड बट दैट कैन आउट गोइंग फॉरवर्ड जब इनको लगे कि इनके एग्जिस्टिंग लैंड एक्विजिशन अब और नहीं हो सकते तो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स की हाइट बढ़ानी पड़ेगी सेकेंड इज जैसे मैंने बताया कि रेलवे लॉजिस्टिक्स जो है जिससे भी इनको रेवेन्यूज आ रहे हैं अच्छे खाल से एंड जो ईपीसी बिजनेस है उसको ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले वे में देख नहीं रहे अभी वो खाली कस्टमर सर्विस के फॉर्म में देख रहे हैं बट ऐसी चीज जाके आ सकती है कि इनका जो क्योंकि कैपेसिटी यूटिलान फुल हो जाएगी आफ्टर अटन पीरियड तो ये लोग वो सब जो डिविजन है जो इनके एंसिलरी डिविजन है दे आर नॉट डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन विद ये लोग कुछ ऐसे बिजनेस में नहीं जा रहे जिसमें रिटर्न कैपिटल गंदा होगा ये लोग ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जिससे इनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका आर .E. या सी इन द लॉन्ग रन विल इम्प्रूव बट अगर इनको दिख रहा है कि इनके जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें और ग्रोथ नहीं आ सकता तो ये लोग ऑप्शनलिटीज है कि लोग ये लोग अपना ईपीसी और रेलवे लॉजिस्टिक बिजनेस में भी काफी अच्छा फोकस कर सकते हैं

उसके साइड बाय साइड वो लोग एलपीजी का भी हैंडलिंग का काम करते हैं तो इज अ स्कोप जे एन पी टी में भी लैंड ढूंढने की ट्राई करें वहां पर भी लोग केपेक्स कर ले गोवा में भी कंडीशन तो उधर भी ये लोग केपेक्स कर सकते हैं तो दैट ऑप्शनलिटी कैन प्ले आउट सिंस ये लोग ऑलरेडी पोर्ट के साथ अच्छे कनेक्शन में है एंड जो मैंने बात बताई थी कि ये लोग 200 हंड्रेड का कंजर्वेटिवली रेवेन्यू क्लॉक कर सकते हैं इन दर एल पीडी एल पी जी टर्मिनल तो मैं कंजर्वेटिवली क्यों कह रहा हूँ तो दैट इज अ रीजन कि दे आर एक्सपेक्टिंग जैसे मैंने बताया कि आज मैंने सपोज अपना मेरी कैपेसिटी में मैं टेन डेज के लिए फॉर एग्जाम्पल लिक्विड हैंडल कर रहा हूँ उसके बाद मैं उनको लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर दे रहा हूँ फिर उसके बाद मैं फिर से टेन डेज के लिए हैंडल कर रहा हूँ किसी और जन का फिर मैं ट्रांसपोर्ट कर दे रहा हूँ सो अल्टीमेटली मैं एक मंथ में तीन जनों का लिक्विड हैंडल कर पा रहा हूँ बिकॉज टेन डेज में मैं एक जन का हैंडल कर रहा हूँ सो so, मैं तीन बार अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ सो दैट इज माई थ्रूपुट कि मैं वन मंथ में थ्री टाइम्स यूज कर पा रहा हूँ एंड ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम कंजर्वेटिवली टाइम्स तो हर मंथ में यूज कर लेगे तो दैट ट्रांसलेट इन टू थर्टी ईयर एंड दैट विल ट्रांसलेट इन टू टू हंड्रेड रेवेन्यू बट इंटरेस्टिंगली इनफ इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड चलता है दैट इज नॉट थ्री टाइम्स पर मंथ राजा दैट इज सिक्स टाइम्स पर मंथ विच लीड्स टू अवेंटी टू टाइम्स थ्रू पुट पर ईयर

मे बी कभी क्लॉक कर ही पाए टू हंड्रेड कॉर्स तक ही क्लॉक कर पाए बट दिस इज एन एडिशनल जैसे मैंने बता दी कि मैं ये सब कैटलिस्ट ट्रैक करता हूँ तो मैं और थोड़ी अनाउंसमेंट मेरे दिमाग में है जो मैं एकदम कीनली ट्रैक करने की ट्राई करूंगा इन दिस बिजनेस वो क्या क्या चीज है एक तो है कि इनका ज्वाइंट वेंचर पार्टनर अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो ये जो एलपीजी टर्मिनल का जो बिजनेस होता है इसमें जनरली जो भी न्यू एंट्रेंट होता है वो खुद से नहीं एंटर करता

एंड थर्ड डिसाइड कर रहे कि जब इनको लग जाए कि ऑर्डर विजिबिलिटी इज वेरी स्ट्रांग सो एज अट बिफोर की अभी फिफ्टी टू सिक्स इन द न्यू कैपेसिटी जब इनको और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तब ये लोग चालू करेंगे इन द टेटिव डेट ऑफ कमर्शलाइजिंग द केपेक्स क्यू टू एफ आई ट्वेंटी फाइव बट आई एम एक्सपेक्टिंग आराम से एफ आई ट्वेंटी सिक्स तक तो केपेक्स जाएगा ही तो जब मेरे को मालूम पड़ेगा ये लोग ने केपेक्स करना स्टार्ट कर दिया सोट विल बी ए गुड ट्रेगर कि चलो थिंग्स आर मूविंग विदपेक्टिंग बट दे स्कोप की उसको सेम को ये लोग तक लेके जा सकते बिकॉज एग्जिस्टिंग पोर्ट में काफी लैंड का एरिया है प्रॉब्लम इज डिमांड प्रॉब्लम इज नॉट लैंड या कोई और अवेलेबलिटी का इशू तो इफ्ट कोई भी पॉजिटिव चीज़ आ जाए जो कि आ सकती है बिकॉज मैनेजमेंट ने रिसेंट कौन कॉलेज मैंशन करा था कि काफी जो पार्टिसिपेंट है गोवा में इंडस्ट्रियल के इंडस्ट्रियल प्लेसेस के वो लोग काफी लॉबी कर रहे हैं कि ये सब माइनिंग का है तो बैन हटा दो या फिर कोई और काम चालू करो जिससे हमारा बिजनेस ग्रो ना स्टार्ट करे फिर से तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अच्छा पॉजिटिव न्यूज तो आएगा तो अल्टीमेटली सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो गए टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इसलिए मैं ये चीज़ को ट्रैक करूंगा एंड अगेन कोई भी न्यू लैंड एक्विजिशन जैसे मैंने पहले बताया कि

कि अगर सपोज मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर लिया फॉर एक्साम्पल आज लग रहा है कि वैल्यूशन शिप है आगे कब तक ये ग्रो करते रहेगा उससे मेरा अल्टीमेट रिटर्न डिफाइन होगा सो so, ये मेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गए एंड ये एलपीजी का अगर हमको खाली स्कोप समझना हो तो ये एजिस लॉजिस्टिक्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी स्लाइड थी जब इनने मैंशन करा कि जितना हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं एलपीजी को जितना हमारा करंट डोमेस्टिक सप्लाई है काफी स्कोप है कि एलपीजी का ग्रोथ आने वाले अगले पाँच दस साल में एंड उसको जो ग्रोथ आएगा उसके लिए टर्मिनल में कैपेसिटी होनी चाहिए हैंडल करने के लिए तो उसकी वजह से भी काफ़ी केपेक्स आएगी एलपीजी साइड में एंड डिमांड इज देयर टू टेक दैट सो लोग केपेक्स बेसिकली राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं बट हमने अब ये सब अच्छी पॉजिटिव बातें तो कर ली इसमें रिस्क भी काफ़ी सारे हैं तो हम इसके जो रिस्क है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज देयर एलपीजी पी डिविजन उसमें क्या रिस्क है एल एच जी डिविजन सॉरी सेकेंड इज देर एलपीजी पी डिविजन And last year, there other corporate governance issues that I have seen in the business. So let's start with LHD division. सो so, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इनका तो केमिकल का जो बिजनेस है उसके प्रॉस्पेक्ट बहुत पुअर है इसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है एंड इनफैक्ट एच वन एफ आई ट्वेंटी फोर में अगेन ये लोगों ने लॉसेस रिपोर्ट करे दैट बिजनेस बिकॉज वो बिजनेस के जो रॉ मटेरियल प्राइजे है वो काफी वॉलटाइल है तो उसमें आप प्रिडिक्ट ढंग से कर ही नहीं सकते कि कितना एबिट्टा ये सब क्लॉक करने वाले सो एफ एच वन एफ आई ट्वेंटी फोर विल बी बैड फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस सिमिलरली जो इनका कम्पिटेटिव इंटेंसिटी है वो मेरे हिसाब से आगे जाके बढ़ने के चांसेस हैं अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ सो अगेन एज लॉजिस्टिक्स जो है जो जिसके जो पोर्ट में उन लोगों का भी सिमिलर काम ही है एक तो लिक्विड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन का एल का एल का जो ये लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी एंड सेकेंड इज एल का तो एल में ये लोग पहले अलग पोर्ट्स में थे बट अभी इन्होंने रिसेंटली एक बहुत मेजर केपेक्स करा है इन जेएनपीटी जिसमें कंपनी दैट इज़ आर गणेश बेंजो प्लास्ट का ऑलरेडी बहुत अच्छा मार्केट पोजिशनिंग था तो फॉर एग्जाम्पल गणेश प्लास्ट का टू लाख फोर्टी थाउजेंड का कैपेसिटी है तो अभी आ, एजिस लॉजिस्टिक्स अराउंड वन लाख टेन थाउजेंड का कैपेसिटी ला रहे हैं तो इसकी वजह से काफी ऐसा पॉसिबल है कि इनकी कैपेसिटी जो मतलब डिमांड आ रही थी वो शिफ्ट हो जाए इन पे एजिस लॉजिस्टिक्स में अगर इनके प्राइसिंग में कुछ अच्छा दे पाए का मैं रिस्क इतना इशू है बिकॉजी का जो इनका गणेश प्लांट का प्लांट वो हंड्रेड यूटिलाइजेशन में आगे जाके काफी इंक्रीज हो, हो सकती है जिसकी वजह से इनकी प्राइजिंग बहुत हर्ट हो सकती है सेकेंड इज गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे हमने अभी रिसेंटली डिस्कस कर रखी गोवा के माइनिंग का जो बैन था उसकी वजह से इनका पूरा कैपेसिटीशन सेवेंटी एट्टी परसेंट से गिर के फोर्टी परसेंट पे आ गया बिकॉज ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था उसके से इनका इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स है उनसे डिमांड भी बिल्कुल चला गया एंड सिंस ये लोग टर्मिनल में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे अगेन गवर्नमेंट की काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसी एक्टिव रहती है तो कोई भी नेगेटिव अगर पॉलिसी आई तो इनका बिजनेस में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है सो दैट इज अ रिस्क दैट इज प्लेड आउट इन द पास्ट फॉर दम इन द गोवा डिविजन अनर रिस्क इज न्यू लैंड एक जैसे मैंने अगेन ये लोग को अगर कोई भी न्यू लैंड एकवायर करना हो करंट टाइम में सो so, अगर इन लोग को जे एन पी टी में फॉर एग्जाम्पल अपना न्यू लैंड एक्वायर करना है तो इन लोगों का जो इनिशियल एक्विजिशन था उससे अराउंड एट टू टेन नाइन टाइम्स हायर प्राइस में अक्वायर करना पड़ेगा सो so, एक तो लैंड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड सेकेंडली सिंस पोर्ट तो फाइनेट जगह ही है उसमें लैंड तो लिमिटेड ही है तो उसमें अगर कॉम्पिटिशन बहुत होगा तो आपको लैंड मिलने में भी, भी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है एंड सिंस ये लैंड लीज में मिलती है तो और ज्यादा डिफिकल्टी आती है तो एक बहुत टफ टास्क भी है और बहुत एक्सपेंसिव टास्क है इनके लिए एंड लास्टली अगेन ग्रोथ आज इनको कोई भी ग्रोथ लानी है तो इन लोगों को एक तो पहले पूरी कैपेसिटी लगानी पड़ेगी उसके बाद इनके रेवेन्यू स्टार्ट होंगे तो हाईली कैपिटल इंटेंसिटी है ऑल दो so right? इनकी बैलेंस शीट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है बट ड्यू टू दियर कैपिटल इंटेंसिटी इन द बिजनेस फंड रेजेस आएंगे बी डेट या फिर इक्विटी कमिंग ऑन टू द एल पी जी बिजनेस सो so, एक पर्टिकुलर कॉन में किसी एनालिस्ट ने बहुत अच्छा से समझाने की ट्राई करी थी कि क्यों एलपीजी डिवीजन इतना टफ है एंड ही एक्सप्लेन की पास्ट में गवर्नमेंट ने भी काफी गवर्नमेंट कंपनी इनफैक्ट एलपीजी डिवीजन अपना स्टार्ट करने की ट्राई करी थी जिसमें टर्मिनल हैंडल करते बट वो बिजनेस संभालना काफी टफ था बिकॉज वो लोग इतना थ्रूपुट जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे तो ये लोग कैसे करेंगे बिकॉज ये लोग कैसे कोई जेबी का पार्टनर भी नहीं है करेंटली तो मैनेजमेंट ने तो यही मैंशन करा कि हम लोग इसलिए कोई ऐसा कस्टमर जो होगा हमारा उसके साथ ही पार्टनर करने की ट्राई करेंगे जिससे एक तो वो हमारे साथ टिके भी रहेगा साथ में हमको और अच्छा एक्सपर्टीज भी आएगा बट अभी कौन सा जेबी पार्टनर है क्या जेबी पार्टनर है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है सो so वो एक मेजर रिस्क है जिसके लिए अभी हमको पे करना पड़ेगा एंड थर्ड इज डिले इन कमर्शलाइजिंग इन अब ये के ये लोग कह रहे हैं कि क्यू टू एफ आई ट्वेंटी फाइव एफ आई ट्वेंटी सिक्स है तो के कमर्शलाइज हो ही जाएगा उस बेसिस में हम लोग प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं कि फॉरवर्ड में क्या आने वाले अर्निंग्स उसको हम डिस्काउंट कर लेंगे बट अगर ये लोग का केपेक्स टाइमली नहीं हुआ कमर्शलाइज एंड एक दो साल और डिले हो गया फॉर सम रीजन तो जो हमारा करंट थीसिस है वो में तो पूरा टॉस पे चला जाएगा तो दैट इज अ मेजर रिस्क जो हमको कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा कि लोग ढंग से अपना जो केपेक्स है एलपीजी का वो कर पा रहे कमर्शलाइज या डिलेज आ रहे एंड लास्ट वॉज की मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड मेरे को थोड़े इशूज लगे थे एक तो इनका जो कंटेजेंट लाइब्रिलिटी है वो बहुत काफी हाई रह चुका है

तो अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज इनको रियलाइजेशन आ गई दे डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ होने वाला है बट इन केस आ गई तो इन लोगों का एक टेम्परिरी uh, आउटफ्लो हो सकता है अच्छा खासा बिच एस बी मैं जैसे अराउंड नाइन की इनकी कंटीजेंट लाइब्रिटीटी है एंड इन लोगों ने अलग से एट करोड की गारंटी दी है नो गारंटी इज नॉट अ मेजर थिंग बट ये जो क्लेम्स है पार्टी के डेट वाले दैट इज अग थिंग दैट वी नीड टू ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड सेकंड जब मेरे को एक चीज इंपॉर्टेंट लगी थी कि जब इनका बिजनेस टू थाउजेंड के टाइम पे स्ट्रगल करा था जब इन लोग बहुत मेजर लॉसेस भी इनकर करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम प्रमोटर वॉज टेकिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड फिफ्टी लैक्स बोथ द प्रमोटर्स टेकिंग इंडिविजुअल सैलरी ऑफ फिफ्टी लैक्स जो उनके करंट स्केल दैट टाइम के स्केल पर मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था या बहुत हाई लगा था सो आई जनरली लाइक दोज ऑनटरप्रेनर जो ड्यूरिंग बैड टाइम्स टेक प्राइस कट दैट इज सैलरी कट इन केस ऑफ अगर हाइक तो नहीं करोगे बट अगर आप यार तो आपटेन कर लो या तो कट कर लो बट ये लोग ने फिफ्टी टू लैक्स डूरिंग दैट टाइम चार्ज करा था सो दैट बॉज अ मेजर नेटफेक अभी तो चलो पाँच छः साल हो गए बात को बट स्टिल दैट शोज की ये लोग अपना थोड़ा पर्सनल प्रॉफिट या सैलरी को भी माइंड में रखते हैं थर्ड इज कंसिस्टेंट इक्विटी डायल्यूशन फॉर द केपेक्स सो मेको एक साइड में बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ये लोग जो इक्विटी रेस कर रहे हैं बार बार फ्रॉम मार्केट इन्वेस्टर्स जिसकी वजह से मेरे को आइडिया मालूम पड़ा बट एट द सेम टाइम आई प्रीफर दो बिजनेसिस जो या तो अपने खुद तो के इंटरनल अक्रूवल्स या तो डेट के थ्रू केपेक्स के करते हैं बाय बिकॉज अगर आप इक्विटी के थ्रू केपेक्स करते हो तो जो इक्विटी का कॉस्ट होता है दैट इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इस टाइम अगर इक्विटी डायलूट कर रहे हो तो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसका शेयर कम कर रहे हो सो आई डोंट जनरली लाइक दिस टाइप ऑफ बिजनेसिस अनलेस दैट इज नेसेसरी सो इन केस में ऑल्दो आई कुड सी कि बट दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग फॉर मी फोर्थ इज द एग्रेसिव गाइडेंस इसमें मैं थोड़ा करना करना चाहूंगा कि ये लोग ने जो गाइडेंस दिए रेवेन्यूज आएंगे इनके ये लोग ने एग्जीक्यूट कर दिया तब तो, तो अच्छा इनका वैल्यूकेशन हो जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए जो मैं आगे मेंशन करूंगा स्लाइड्स में बट इनकेस इनका वो लोग एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाए तो नॉट ओनली विल अर्निंग्स नॉट ग्रो प्रॉपरली बट इनका वैल्यूएशन में भी डी रेटिंग आ सकता है सो दैट इज अ की रिस्क कि अगर आप बहुत एग्रेसिव गाइड कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में मार्केट आपका शेयर बढ़ा भी सकते हैं कि आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई है बट अगर आपने डिलीवर नहीं करा तो आपका शेयर वापस उतनी स्पीड में गिर भी सकता है सो दैट इज अ रिस्क दैट वी एज एन इन्वेस्टर हैव टू प्ले लास्ट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन सो मैंने जैसे पहले मैंशन करा था कि ये लोग इथेनॉल में केपेक्स करें एंड बेसिकली ये लोग ने हंड्रेड केलपी डी की कैपेसिटी लाए है जिसमें ये लोग का खाली ट्वेंटी सिक्स परसेंट स्टेक है बट अगर आप कोई न्यू इथेनॉल का एक तो केपेक्स करो जो अनरिलेटेड आपके बिजनेस से एंड सेकेंडली आप ट्वेंटी सिक्स परसेंट का स्टेक ले रहे हो And आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों ये में जा रहे हो? उसका मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ पाया बट सिंस उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हाई नहीं है इसलिए आई एम इग्नोरिंग दैट दैट बट अगेन इज रेड फ्लैग फॉर मी इन टर्म्स ऑफ द द कैपिटल एलोकेशन बाय मैनेजमेंट सेकंड इज ये रिसेंटली जैसे मैंने बताया ग्रीन एनर्जी की कंपनी चालू करी जिसमें ये लोग काफी सारे ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव ले रहे हैं जैसे एक इथेनॉल एक चीज हो गया बट इन लोगों ने एक वी लीजिंग का बिजनेस भी स्टार्ट करा है जिसमें कुछ ज्यादा ये लोग रिवेन्यूज क्लॉक नहीं कर रहे हैं बट ये लोग बेसिकली क्या करने वाले कि जो टू व्हीलर ईवीज होते हैं उनको ये लोग लीज पे लेंगे और आगे यूज करेंगे मतलब ईवी जो होगी उसको बाई कर लेंगे एंड आगे लीज में दे देंगे बट जो भी सोचो ये मॉडल का इनके करंट बिजनेस से कुछ रिलेशन मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा एंड ये जब चीज़ें एग्जिस्टिंग बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो तो आई कैन स्टिल मेक सेंस ऑफ दैट बट सिंस आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में इतना री इन्वेस्ट कर पा रहे हो इनफैक्ट आप बाहर से फंड रेस करके री इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब बिजनेस में जाने की नीड क्या है नाउ आई एम अवॉइडिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि बहुत बड़ा स्केल नहीं है इस चीज़ का बट गोइंग फॉरवर्ड अगर मुझे लगे कि ये लोग इधर बहुत ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं एंड मेरे को नहीं दिख रहा कि उधर अच्छा आरो आएगा तो आई माइट टेक एक्जिट कॉलेज में सो दिस आर दी रिज आई एम करेंटली लुकिंग एट नाउ लेट्स लुक एट दैल्यूएशन सो एज आई सेट की एक तो हमको जो भी हम वैल्यू इसके करेंटली पे करेंगे दैट इज कीपिंग इन माइंड इसके जो फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है उसको हम डिस्काउंट करेगा उसका हम एक पर्टिकुलर मल्टीपल बनाने की ट्राई करेंगे एंड उस बेसिस में हम इसको वैल्यू कर सकते हैं सो वैल्युशन करने के लिए तो हमको पहले इसके फ्यूचर में जो एफ आई ट्वेंटी सेवन का मैं सोच रहा हूँ कि जब तक इनका एलपीजी और जो भी न्यू डिजन है उससे रेवेन्यू फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका मेरे को एबिटा तो निकालना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल एक, एक दे सकता हूँ उसके बेसिस में फिर से करंट मार्केट कैप को कंपेयर कर सकता हूँ सो so मैं एकदम सिंपल वे में समझाने की ट्राई करता हूँ मैंने क्या करने की ट्राई करी इधर एक्सक्यूज मी एक्सिस्टिंग सेवेंटी कर रहे हैंजिबलीस एम करोरिंगिस एंड येक्स करा है जो मैंने बताया था जिससे रेवेन्यू पोटेंशियल है इनका वो लोग काटर में ही कमर्शलाइज हुआ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्यू फोर में अच्छे रेवेन्यूज आ जाएंगे बट पूरे साल में अराउंड फोर टू फाइव इयर्स के रेवेन्यूज आने वाले इन एंड इनका जो एलपीजी का डिवीजन है वो तो अभी केपेक्स का ना स्टार्ट भी नहीं हुए तो एफ आई ट्वेंटी में उसमें कुछ रेवेन्यूज नहीं आने वाले अब मेरे को ये देख रहे हैं कि तो खत्म हो गया तो मेरे को थ्री इयर्स डाउन द लाइन क्या रेवेन्यूज है एबिटा के मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ तो मैंने जैसे बताया कि ये लोग फाइव टू एट परसेंट का हर साल प्राइस हाइक है करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में तो मैंने ऑन एवरेज सेवन परसेंट का लिया कि मेरा ये ग्रोथ आएगा जस्ट फ्रॉम प्राइस जो जे का जो टी का टर्मिनल है दट इज ऑपरेटिंग एट अराउंड हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन। एंड बाकी जो कोचिंग में जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा या जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ग्रोथ आएगा दट इज सेपरेट थिंग मैं थोड़ा सिंपलीफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ कि क्या इनका ग्रोथ परसपेक्ट है तो आई एम एस्टिमेटिंग की सेवन का ये लोग का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड न्यू कैपेसिटी से ग्रोथ आएगा प्राइजिंग प्योरली तो एफ में जाके इनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होगा उससे अराउंड टू हंड्रेड एट करोस का रेवेन्यूज होगा एंड सिमिलरली जो न्यू कैपेसिटी होगी जो फिफ्टीन कोर्स का रेवन्यू पोटेंशियल है उसका प्राइसिंग में बढ़ बढ़ के अराउंड एटीन पॉइंट फोर करोड्स का रेवेन्यू हो जाएगा एंड जो एल पी सी डिवीजन है जिसका ये लोग कह रहे हैं कि एफ आई ट्वेंटी सिक्स में रेवन्यू फ्लो होना स्टार्ट होगा आई एम बींग अ बिट कंजर्वेटिव एंड आई एम एस्टिमेटिंग की एफ आई ट्वेंटी सेवन में जाकर वो रेवेन्यू फ्लो हो गए टू हंड्रेड कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिए थे तो मैंने वो जो अपने सेल्स प्रोजेक्शन निकाले तो उस हिसाब से मेरा अराउंड फोर ट्वेंटी सेवन या फोर थर्टी करोड्स के लोग रेवेन्यू तब बुक करेंगे अब ये लोग कितना मार्जिन क्लॉक करेंगे तो ये लोग जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसमें अराउंड फिफ्टी परसेंट इतना मार्जिन ये लोग क्लॉक कर रहे हैं फिफ्टी टू फिफ्टी टू परसेंट एंड सिंस ये लोग जो न्यू uh, केपेक्स कर रहे हैं जिसमें लोग स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हैं जिसमें देर एक्सपेक्टिंग सेवेंटी फाइव परसेंट के मार्जिन आएंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन ए ब्लेंडेड बेसिस कंजर्वेटिवली ये लोग अराउंड फिफ्टी फाइव परसेंट के मार्जिन कर पाएंगे अब काफी रिसर्च सिक्सटी परसेंट भी मार्जिन इनका बता रही है कि ये लोग क्लॉक कर सकते हैं बट आई वॉन्ट टू बी कंजर्वेटिव बनवेटिव फिफ्टी फाइव परसेंट इनका एब मार्जिन क्लॉक कर पाएंगे

अब मेरे को बाकी भी इनके डिविजन से काफी सारे तो उसका अगर मैं वो सम ऑफ द वैल्यूएशन करने की ट्राई करूँ तो आप एक्सपेक्टिंग क्योंकि में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे अराउंड ट्वेंटी थ्री करोड़ का एबिटा क्लॉक करा था तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि में भी इनका कोई बहुत मेजर अगर ग्रोथ नहीं भी आएगा तो भी ये लोग अराउंड ट्वेंटी फाइव करोड का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे इथेनॉल में जैसे मैंने कैलकुलेशन करा अपने हिसाब से तो इनका ट्वेंटी सिक्स परसेंट का जो शेयर होगा उसका वैल्यू होगा एबिटा टर्म्स में अराउंड सिक्स करोड़ का एंड आई एम अज्यूमिंग एमिंग टेन परसेंट का एबिटा ये मार्जिन ही बना पाएंगे एंड लास्टली रेलवे एंड ईपीसी ई अराउंड सी करोड़ का एबिटा बना पाएंगे तो so, उस बेसिस में मैंने कंजर्वेटिवली वी एबिटा लगाया है अब ये मेरा एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है जिसकी वजह से मैंने या टाइम्स का लगाया दिस इज नॉट जस्ट रैंडम नंबर बट वो बात की बात है तो उसके बेसिस में मेरा जो पोटेंशियल ईवी आ रहा है बिजनेस का दैट इज अराउंड थ्री थाउजेंड करोड़ सो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर सारी चीजें प्लेट हो गई एंड मार्केट ने जो अर्निंग्स आई उसको मेरे एकदम कंजर्वेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से भी प्राइस करा तो इनका जो तीन साल बाद जाके जो एंटरप्राइज वैल्यू होगा अब तो एंटरप्राइज वैल्यू इज नथिंग तो बट आपका तो आप जो करंट मार्केट कैप है उसमें आप कैश एंड जो है उसको ऐड कर दोगे एंड आपका जो डेट होगा नहीं कैश एंड कैश इक्विबलेंट जो है उसको आप माइनस कर दोगे एंड आपका जो डेट है उसको आप ऐड कर दोगे तो उसका जो नेट फिगर होगा वो आपका एंटरप्राइज वैल्यू होता है तो तीन साल बाद जाके मेरा वो करोड़ का होगा अब इनका करंट देखोगे, तो वो इलेवन का करोड़ का इसका करंट ईबी है एंड इसका जो मार्केट कैप है दैट इज ऑल्सो थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी करोड़ बिकॉज इसके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो सिमिलर लेवल के बट सिंस मेरे को दिख रहा है कि ये लोग आगे जाके जो केपेक्स कर रहे हैं उसमें ये लोग अराउंड टू हंड्रेड कोर्स का तो डेट इनको रेस करना पड़ेगा बिकॉज ये लोग जो एग्जिस्टिंग इंटरनल अक्रूवल्स है और जो ये लोग कैश रेस कर रहे हैं फंड वो इनके हो गए अराउंड टू हंड्रेड कोर्स तो स्टिल इनका एग्रेसिवली नॉ दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट बट मेरे को लग रहा है ये लोग ज्यादा से ज्यादा दो सौ का तो रेस कर ही लेगे मे बी उससे कम भी रेस करे बिकॉज ये लोग का इंटरनल जो अक्रूवल्स है वो हाई भी हो सकते हैं बट मैं थोड़ा एग्रेसिव होने की ट्राई कर रहा हूँ इसमें एंड बाई बी आई एम ट्राइंग टू वैल्यू कंजर्वेटिव फिगर तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू हंड्रेड करोड का डेट आएगा इसमें बिजनेस में तो मेरा जो मार्केट कैप होगा ट्वेंटी एट हंड्रेड करोड़ अब इसमें मार्केट कैप इससे ज्यादा भी हो सकता है जो मेरा एस्टिमेशन है बिकॉज अभी इसमें मैं कैश का कैलकुलेशन नहीं कर रहा सो फॉर एग्जाम्पल तीन ईयर्स डाउन द लाइन इफ आई एज्यूम की मेरा जो कैश्लोज हो कैश एंड इक्विपमेंट्स हो गए वो अगर हंड्रेड करोड़ के हैं तो मेरा इंटरप्राइज वैल्यू होगा थ्री थाउजेंड करोड़ माइनस मेरा जो डेट है दैट इज टू हंड्रेड करोड़ प्लस मेरा जो कैश एंड इक्विपमेंट है दैट इज हंड्रेड करोड तो मेरे को अगर ईवी से मार्केट कैप में आना है तो मेरा मार्केट कैप होता है अराउंड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड करोड्स बट सिंस मेरे को थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है तो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कैश कुछ होगा नहीं तो मेरा ख्याल डेट टू हंड्रेड करोड्स का होगा तो मेरा मार्केट कैप एफ आई ट्वेंटी सेवन में होगा ट्वेंटी एट हंड्रेड करोड का एंड सिंस मैंने जब कैलकुलेशन करा था ये तब मार्केट कैप वॉज अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड करोड़ तो मैंने तीन साल का

तो अच्छा वैल्यूक्रिएशन हो सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स बट अगेन इफ इट एग्जीक्यूट मेरा काफी जो वैल्यूएशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉरकास्ट की मैनेजमेंट ये सब जो गाइडेंस है इसको कंजर्वेटिव वे में अचीव कर पाएगी तो ये नहीं अगर सपोज तीन साल जाके मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए तो इट वुड नॉट बी कि मैंने वैल्यूएशन सही करी थी मैनेजमेंट ने बिकॉज एग्जीक्यूशन राइट करा तो उसकी वजह से वैल्यू क्रिएशन होगा तो हमने करेंटली इंडियन मार्केट में स्पेशली वैल्यूएशन का काफी हवा बना के रखा है कि सस्ते में बाई करो बाई करो सस्ते में बाई करना चाहिए बट एंडिंग में आपका जो वैल्यू क्रिएशन होगा दैट कम शियरली बाई बाइंग चीप इट विल ऑल्सो कम फ्रॉम द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड दैट इज बाय हमको कंसिस्टेंटली बिजनेस को ट्रैक करना चाहिए एंड मैनेजमेंट को जितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं उतना देना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली उनकी मेहनत की वजह से ही हमारा वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए हम तो एक्सेल में नंबर इनपुट कर देंगे वो बहुत आसान काम है बट एंडिंग में एग्जीक्यूशन तो उनको ही करना है सो करंटली मेरे को वैल्यूएशन अगर मैं इसको थर्टीन हंड्रेड कर्स भी कर दूंगा जिससे करंट जो मार्केट कैप चल रहा है तो भी मेरा अराउंड ट्वेंटी थर्टी परसेंट का एक्सपेक्टेड किगर कंजर्वेटिव बेसिस आ रहा है एंड मेरा जो एक और मेंटल मॉडल जो मैं आजकल काफी फॉलो करने की ट्राई कर रहा हूँ कि फंडामेंटल लेट कैटेलिस्ट से कोई ब्रेकआउट आए तो जैसे मैंने पहले बताया मैं कंपनी काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था बट इंटरेस्टिंग नफ इसका तो चार्ट पैटर्न काफी अच्छा था कि तो ऑलरेडी अपट्रेंड में था फिर इसका कंसोलिडेशन हो रहा था सो आई नो दिस पैटर्न कि अभी ब्रेकआउट होगा कंसोलिडेशन से तो शेयर प्राइस विल गो अप बट मैं खाली टेक्निकल्स के बेसिस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा राधर टेक्निकल तो मेरा लास्ट पॉइंट होगा इन्वेस्ट करने के टाइम पे पहले तो मैं पूरा अपना फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा तो मेरे को ये क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा था बिकॉज जब मैं ये कंपनी इस टाइम पे ट्रैक कर रहा था अराउंड वन लेवल्स तब ये लोग ने मलाबार को वॉरेंट्स इशू करे थे एंड मलाबार का मार्केट में काफी अच्छा रेपूटेशन है एंड मैंने ये लास्ट सिक्स मंथ्स में स्पेशली काफी ऑब्जर्व करे कि अगर कोई भी बहुत हाईली रेप्यूटेडेड मार्केट इन्वेस्टर किसी वजह से बहुत मेजर अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो मार्केट क्विकली री रेट्स स्टॉक नॉट बिकॉज वो इन्वेस्टर राइट right होगा बट उसकी एक तो जो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट करा है उसकी वजह से वो स्टॉक को काफी विजिबिलिटी मिलने लगती है मार्केट में जिसकी वजह से वो कंपनी का परसेप्शन भी इंप्रूव होता है सेकेंडली उसकी डिस्कवरी भी इम्प्रूव होती है जिसकी वजह से मार्केट को लगता गया कि इतना ग्रोथ आ रहा है तो इतना वैल्यूशन मिलना चाहिए जो करेंटली स्टॉक में प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज नॉलेज वो स्टॉक होगा एंड अल्टीमेटली उसके से भी बन सकते। so levels, एक तो मलाबार का भी न्यूज आया था एंड जब मैंने ट्रिगर एचल में लगाया थाउंड जब अनिल कुमार गोयल जी का वारंट का न्यूज आया था कि बिजनेस एंड एट द सेम टाइम आई कुड सी टेक्निकल ब्रेकआउट होने के चांसेस बट मुझे एक फंडामेंटल कैटलिस्ट मिल गया कि चलो एक तो कंपनी सॉलिड है वैल्यूएशन आर रीजनेबल प्रोवाइडेड द अगेन एग्जीक्यूट नाउ थ्री ईयर्स डाउन द लाइन मैं रॉन्ग भी सकता हूँ मेरा शायद से कुछ वैल्यूएशन या कुछ रिटर्न नहीं भी बने बट दैट वुड प्राइमरली बिकॉज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड मेरी वैल्यूएशन या मेरी एनालिसिस की वजह से मे भी उतना मिस्टेक नहीं होगा जितना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से होगा एंड वी पे टू मच अटेंशन ऑन द वैल्यूएशन एंड आप राइट हो या नहीं हो सो द पॉइंट इज की मेरे को करेंटली दिख रहा था कि वैल्यशन रीजनेबल कंसोल्टेशन भी काफी अच्छा हो गया लास्ट एक साल में इन अभी नए एंट्रेंस जो अच्छे इन्वेस्टर्स है वो भी एंटर कर रहे हैं जिसके से स्टॉक में डिस्कवरी भी बढ़ सकती है एंड बिकॉज ऑफ दैट जस्ट ये न्यूज़ के बाद ही ये स्टॉक अराउंड ट्वेंटी परसेंट बढ़ गया था विद इन टू डेज सो द आइडिया इज नॉट कि आप इन्वेस्ट कर लो स्टॉक में द होल आइडिया बिहाइंड दिस पी पी टी वॉज सिंपली कि मैं अपने चार पाँच जो मेन्टल मॉडल्स है जो मैं कंसिस्टेंटली यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं ऐसे काफी मेंटल मॉडल्स ऐसे भी जिसमें गए रिजल्ट ना दिखे बट आई एम ट्राइंग टू शेयर इज की मेरी जो लर्निंग्स है उससे अगर एक जन को भी बेनिफिट हो जाए देन हमारा जो स्मार्ट सिंग का जो इनिशिएटिव का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा एंड या विद दैट बीस आई विल लाइक टू एंड माई सेशन सो इन दिस वीडियो आई टू एक्सप्लेन थ्री टू फोर मेंटल मॉडल्स आई फॉलो हाउ आई ट्राई टू एनालाइज द बिजनेस एंड वो क्या की ट्रिगर्स दिख रहे हैं इन गणेश प्लास्ट नो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई हैव अ ट्रैकिंग पोजीशन इन माय फैमिलीज पोर्टफोलियो इन दिस बिजनेस एंड माय एंड आई माइट ऐड गोइंग फॉरवर्ड सो द आइडिया अगेन इज नॉट क्या जाके बाई कर लो स्टॉक अच्छा है या सस्ता है बट टू शोकेस माय रिसर्च एंड वी एट स्मार्टिंग एंड अगेन डिसाइडेड कि हम हर मंथ ऐसा ट्राई करेगी कि एक पर्टिकुलर कंपनी में डीप डाइव करें whether हम इन्वेस्ट करें या ना करें दैट इज सेकेंडरी बट द आइडिया इज टू स्टडी मोर एंड मोर बिजनेसेस जिससे हमको और नए मेंटल मॉडल्स एंड और नए बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करने की नॉलेज मिले सो so, अगर आपको कोई भी और अच्छे बिजनेस को स्टडी करने या हमारी एनालिसिस देखने का इच्छा हो तो यू कैन टाइप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मिलो एंड इफ यू हैव एनी सजेशन या फीडबैक देन प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन